गत 9 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के क्षेत्र में किए गए अभूतपूर्व प्रयासों ने तेजी से विकसित होते भारत के लिए एक सशक्त बुनियाद का निर्माण किया है। देश के गांव और शहर आज आधुनिक राजमार्गों से जुड़ रहे हैं। ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर आज भारत जितना काम कर रहा है उतना पहले कभी नहीं हुआ। आज एक तरफ देश भर में ग्रामीण सड़कों का निर्माण हो रहा है तो वहीं रिकॉर्ड संख्या में आधुनिक एक्सप्रेसवे बनाए जा रहे हैं। इसी को आगे ले जाते हुए आज करीब 6400 करोड़ रुपए की लागत से 5 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री जी छत्तीसगढ़ की धरती से कर रहे हैं। आज लोकार्पित होने वाली परियोजनाएं हैं बिलासपुर से पथरापल्ली तक 4 लेन सड़क का निर्माण कार्य, यह रायपुर अंबिकापुर वाराणसी तक बेहतर संपर्क प्रदान करेगी, क्षेत्र की कोयला खदानों तक आवाजाही सुगम होगी, प्रमुख धार्मिक स्थल रतनपुर से बेहतर संपर्क का लाभ तीर्थालुओं को होगा, रायपुर से कोडेबाद तक 4 लेन सड़क का निर्माण, इससे छत्तीसगढ़ के दक्षिणी और मध्य भाग तक ओडिशा और आंध्र प्रदेश के साथ बेहतर संपर्क स्थापित होगा, इस क्षेत्र के लौह अयस्क और स्टील प्लांट से तैयार माल के परिवहन में भी तेजी आएगी। साथ ही शिलान्यास होने वाली परियोजनाएं हैं झांकी से सरगी, सरगी से बसनवाही और बसनवाही से मारंगपुरी तक 6 लेन सड़क का निर्माण कार्य, इससे रायपुर से विशाखापट्टनम के बीच की दूरी करीब 130 किलोमीटर कम हो जाएगी और यात्रा के समय में भी लगभग 7 घंटे की बचत होगी। इस परियोजना से पूरे क्षेत्र में रोजगार कारोबार के बड़े मौके बनेंगे, स्थानीय उपज उत्पाद को बड़े बाजारों तक पहुँचाना आसान होगा। इन परियोजनाओं से छत्तीसगढ़ में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर आधुनिक और सशक्त होगा, ट्रैफिक जैम पर अंकुश लगेगा और आवागमन सहज होगा, साथ ही समय और ईंधन की बचत होगी, राज्य में व्यापार शिक्षा और पर्यटन को नई मजबूती मिलेगी। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत सरकार छत्तीसगढ़ के विकास के लिए कृत संकल्प है और आज लोकार्पित और शिलान्यास हो रही परियोजनाओं से छत्तीसगढ़ विकास की राह पर तेजी से अग्रसर होगा, आत्मनिर्भर और विकसित भारत का अहम भागीदार बनकर उभरेगा।